हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया स्पोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच जो मैच होने वाला है उसमें पंजाब किंग्स के किस एक खिलाड़ी की वापसी होने वाली है जो इस टीम को और सॉलिड बना देगा। तो कौन सा है वो खिलाड़ी, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीजन अगर ऑक्शन की लिस्ट पे आप नजर डालें, इस सीजन अगर आप आईपीएल की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो एक टीम जो है बिल्कुल अलग नजर आती है वो है पंजाब किंग्स। क्यों अलग नजर आती है? क्योंकि इस टीम के पास हार्ड हिटर्स की फौज, इस टीम के पास वो खिलाड़ी है जो लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। राइट फ्रॉम द टॉप अगर आप देखें शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, उसके बाद अगर आप टीम के अंदर देखें तो लियाम डेविसन है, शाहरुख खान है, ओडियन स्मिथ है, अनुका राजपक्षे है, तो तमाम एक लंबी फहरिस्त है इस टीम के पास हार्ड हिटर्स की, जो कि किसी भी विरोधी जो गेंदबाज हैं उनको डिप्रेस कर सकते हैं और डायनेमिक बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। अब दोस्तों, इस टीम में एक और खिलाड़ी की एंट्री हो सकती है और उनका नाम है जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो की आपने जो बल्लेबाजी है वो आईपीएल में पहले भी देखी होगी, सनराइजर्स हैदराबाद की, उन्होंने बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, आक्रामक बल्लेबाज है, ओपनिंग स्लॉट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड दोस्तों, एक चीज और भी है कि इंग्लैंड के लिए भी जब ओपन करते हैं टी20 क्रिकेट में तो वहां पर बड़ी धमाकेदार बैटिंग करते हैं। वैसे आप जॉनी बेस्टो को किसी भी बैटिंग ऑर्डर में बैटिंग करवा सकते हैं, उनकी बल्लेबाजी का अंदाज एक जैसे ही रहता है। खास बात यह है कि जॉनी बेस्टो फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड में बात कर लीजिए, दो फॉर्म उनकी टेस्ट मैचेस में थी, या वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बात कर लीजिए, वो भी फॉर्म उनकी टेस्ट मैचेस में थी, बट एक खिलाड़ी एक रिदम को कैरी करता है। तो अगर जॉनी बेस्टो भी इस टीम की प्लेइंग 11 में इंक्लूड हो जाते हैं तो ये टीम और भी खतरनाक हो जाएगी, इस टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है वो और भी आक्रामक हो जाएगा। लेकिन सवाल यही होगा दोस्तों कि जॉनी बेस्टो को फिट कैसे किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको इस टीम के पास जो ओवरसीज प्लेयर है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर पिछले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें लेरेंस ने बहुत धमाकेदार पारी खेली थी, जिसमें 5 चौके 5 छक्के लगाए और एक छक्का तो 108 मीटर लंबा था। उसके अलावा ओडियन स्मिथ भी दोस्तों इस टीम के पास है, अनुका राजपक्षे ने जो शुरुआती दो मैचेस में अपनी परफॉर्मेंस दी है, क्लास प्लेयर वो नजर आए, खासकर लेग साइड में जो उनका गेम है वो दिल जीत देता है और बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट के साथ वो शॉट्स खेलते हैं, ज्यादा शफल नहीं करते बट उनके पास कुछ क्वालिटी शॉट्स हैं और उनको भी आप प्लेइंग 11 से बाहर नहीं कर सकते। एंड देन कम्स आपके पास ओडियन स्मिथ भी, आपके पास रबाडा भी है, तो रबाडा के आने से आपकी गेंदबाजी में भी धार आ गई और आप उनको भी बाहर नहीं कर सकते। तो वाकई मयंक अग्रवाल के पास एक टफ डिसीजन होगा, एक टफ कॉल होगी कि अगर जॉनी बेस्टो को प्लेइंग 11 में इंक्लूड करना है तो फिर बाहर किसको जाना है, या फिर जॉनी बेस्टो की बजाय भी उनका काम चल सकता है। काम तो चल सकता है वैसे पंजाब किंग्स का, ऐसी कोई दिक्कत उनको नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनके पास जो फौज है, जो हार्ड हिटर्स की फौज है, वो बहुत ही जबरदस्त है, किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है बस पंजाब किंग्स के पास, उनका टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं आई है जैसी आनी चाहिए, यानी कि मयंक अग्रवाल एंड शिखर धवन उनको जो रोल प्ले करना चाहिए था एज एन इंडियन प्लेयर वो रोल प्ले नहीं कर पाए। तो अगर बेस्टो को लाके उनसे ओपन करवाते हैं और किसी एक खिलाड़ी को ड्रॉप करते हैं तो मयंक के शिखर में से किसी खिलाड़ी को नंबर 3 पर लाया जा सकता है, वो भी पंजाब की स्ट्रेटेजी को काफी मजबूत कर देगा। गुजरात टाइटंस के खिलाफ दोस्तों मुकाबला है, गुजरात टाइटंस ने दोनों मुकाबले जीते हुए हैं, पंजाब टीम से बहुत ही सॉलिड टीम नजर आ रही है, बेस्टो आएंगे तो इस टीम की ताकत को और बढ़ा देंगे। अगर जॉनी बेस्टो को प्लेइंग 11 में शामिल करना है दोस्तों तो उसकी जगह किस खिलाड़ी को बाहर जाना चाहिए प्लेइंग 11 से और क्या बेस्टो को शामिल करना चाहिए, आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ज्यादा शेयर करें।